हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं दीप्ति गुप्ता परीक्षा प्लस के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2019 में हुए 8 दिसंबर के पेपर के 3 सेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सीटेट का जो जुलाई में पेपर हुआ था उसके पहले सेक्शन की, जो कि है सीडीपी का सेक्शन। तो उसके आज हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप कुछ अच्छा सीखेंगे। बात करेंगे कि आज सीडीपी का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, हम सभी को पता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुशेषण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बात ठीक है, लेकिन जीन पियाजे इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है, अनुबंधन की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, ठीक है। बात करेंगे अगले ऑप्शन की, जो कहते हैं कि बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। देखिए, जीन पियाजे ना संरचनावाद की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जिसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो एक ऑप्शन में आपका कहा गया है कि बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ों को, बच्चे उसी के साथ सीखते जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको विजिबिलिटी में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर एक का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि चालक विकास की दर में चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, व्यक्तिगत विविधताएं या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किस तक होता है, किससे किस तक होता है। पहला ऑप्शन शीर्षगामी या फिर अधोगामी, अधोगामी या शीर्षगामी, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर। देखिए, अब आप सभी को पता होगा, आपने सीटीपी में पढ़ा होगा जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, शीर्षगामी या अधोगामी ये विकास के क्रम है, आपको बताया गया होगा। शीर्षगामी या सेफेलोकॉडल या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफेलोकॉडल या फिर इसको कहते हैं आप प्रॉक्सिमो डिस्टल, आप सभी ने पढ़ा होगा, सेफेलोकॉडल जो सिर से पैर की ओर जाता है, या प्रॉक्सिमो डिस्टल जो केंद्र से बाहर की ओर जाता है। लेकिन विकास का क्रम नहीं बताता, ये विकास की दिशाएं बताएंगे कि विकास आपका किस दिशा से किस में होता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। बात करेंगे अगले ऑप्शन की, जो कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए, अब विकास का क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। आप इसमें आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो जब वो छोटा होता है तो वो बेसिकली जब रोता है तो आप देखते होंगे कि ज़मीन पे ऐसे गिर के रोने लगता है, या फिर ऐसे हाथ पैर चलाता है, कई चीज़ें कई हरकतें करता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें कंट्रोल आने लगता है, फिर वो रोता है तो बेसिकली ये वाली हरकतें नहीं करता है। तो इसलिए पहले वो बड़ी चीज़ों बड़े मसल्स का प्रयोग करता है, और उसके बाद वो छोटी मसल्स का प्रयोग करता है। एक तो ये आपका एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए कोई छोटी बच्ची है, ठीक है, अगर आप उसको लिपस्टिक थमा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने अपने फेस पे इधर लगा लेगी उधर लगा लेगी, मतलब पूरे मुंह में लगा लेती है, जहाँ पे उसकी अभी मसल्स पे उसका कंट्रोल नहीं आया होता है। लेकिन अगर आप एक बड़ी लड़की को वही लिपस्टिक देते हैं तो वो अपने लिप्स पे ही लिपस्टिक लगाती है, जिससे आप क्या कह सकते हैं कि पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, मतलब बड़े बड़े मसल से छोटे मसल्स की ओर इसका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चौथे में आपका सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, जो कि आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि वह अवधि जो
वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? नंबर एक किशोरावस्था, या मध्यबाल्यावस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवधि, या बाल्यावस्था की समाप्ति। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कि चाइल्डहुड और एडोलोसेंस के बीच में एक ब्रिज होता है, ठीक है? ये ब्रिज होता है किसमें? चाइल्डहुड और एडोलोसेंस के बीच में। इस ब्रिज को आप क्या कहते हैं? इसी ब्रिज को तो एडोलोसेंस कहा गया है। आप सभी ने ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? किशोरावस्था। वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो तीसरे का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? नंबर एक यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, या फिर दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, या फिर सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखिए, आप सभी ने लॉरेंस कोलवर की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, इसकी बीवी को एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, लाइफ टेकिंग डिसीज़ हो जाती है, जिसका इलाज इसको मिलता तो है लेकिन एक डॉक्टर के पास मिलता है जो कि एक दूर के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो डॉक्टर उसको बहुत महंगी दवाई बेचता है और उसके पास उस दवाई को खरीदने के उतने पैसे होते नहीं हैं। तो वो क्या करता है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी बीवी को मर जाने देता है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि वो दवाई को चोरी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे कोलवर्क ने कई बच्चों के सामने ये वाली सिचुएशन प्रकट की होती है और वो उनसे जानना चाहते हैं कि नैतिक विकास किस तरीके से आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ये इस वाले क्वेश्चन में उसी कहानी के बारे में पूछा गया है कि बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, बच्चा यहाँ पे डर रहा है, मतलब बेसिकली वो दंड की प्रक्रिया से डर रहा है। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि अगर मतलब हिंज ने ये दवाई चोरी कर ली तो ऐसे ये चोरी करना गलत बात है या चोरी करना पाप है, ऐसा तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें कहा गया कि यदि उसे पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो दंड से डर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, ठीक है। अगर नैतिकता की बात की होती तो हम नैतिक वाले ऑप्शन की तरफ जाते, इसलिए फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कहता है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लैब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो एज इट इज क्वेश्चन आपका दिसंबर वाले पेपर में पूछा गया था, उसमें बस लैंग्वेज चेंज की गई थी, बल्कि आपका सेम क्वेश्चन यही था कि वाइगोत्स्की के अनुसार आप जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं उनको क्या कहा गया है। पहला ऑप्शन है अहम केंद्रित वार्ता, या फिर व्यक्तिगत वार्ता, या भ्रांत वार्ता, या फिर समस्यात्मक वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता को आप कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और इसको अहम केंद्रित वार्ता को क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। आपको पता ही होगा वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहीं पे आपसे अगर पूछा जाता कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें पियाजे के अनुसार क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है, अहम केंद्रित वार्ता या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, या घरेलू सामग्रियां, या व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर सिद्धांत, या जेंडर प्रासंगिकता। सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज है। आप सीटेट 2019 8 दिसंबर वाला पेपर देखिएगा, उसमें भी जेंडर रूढ़िवादिता से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बेसिकली जेंडर से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ ही देता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्या कहा है इन्होंने कि भाई कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप एक अगर मान लो बॉयज़ के साथ या गर्ल्स के साथ या सेक्स के साथ अगर निर्धारित कर देते हैं, जेंडर के साथ निर्धारित कर देते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? या फिर जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि भाई
जैसे लड़कों से कहा जाता है कि तुम रो रहे हो, तुम तो मर्द हो, तुम कैसे रो रहे हो, अरे भाई उनके पास भी तो दिल है, वो भी तो रो सकते हैं, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप वाली फीलिंग्स पहले से ही चली आ रही है जिसे लोग मानने लग गए हैं। तो विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ने का मतलब है जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे आप जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। ओके, विकसित जेंडर तो हो ही नहीं सकता भाई, एक आप एक ही लिंग के साथ संबंधित कर रहे हैं तो विकसित जेंडर कैसे हो जाएगा, जेंडर सिद्धांत भी नहीं होगा और न जेंडर प्रासंगिकता होगा। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कहता है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उनके साथ क्या करना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, कीवर्ड आपको बताया था मैंने पेडागॉजी में, नेगेटिविटी पे आप बच्चे की बेसिकली बच्चे के साथ नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेंगे, उस वो अगर कुछ काम कर रहा है, कुछ बात कर रहा है या फिर कुछ कहना चाहता है तो आप उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा ये क्यों कह रहा है या फिर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उपेक्षा करनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बच्चे खुद ही मतलब एक पियाजे के अनुसार आपने सुना होगा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो बेसिकली एक्सप्लोर करके नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, तो आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए, या फिर उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही, एक ही ऑप्शन आपका पहली बार तो बचता है, तो 7th का आपका 4th सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कहता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, कंपैरिजन तो आपको करनी ही नहीं है, पेडागॉजी बेसिकली आपको बताया था कि नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बच्चों में हीन भावना नहीं आनी चाहिए, आपको ये देखना है कि कैसे बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो तुलना नहीं करवाएंगे आप, विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना, भाई आपने जान लिया कि ये जनरल में आता है तो एकदम से उसके साथ अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, अगर जनरल में नहीं आता, किसी लोअर कास्ट से आ रहा है तो आप उसके साथ रिएक्शन ही अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत हो जाएगा। बात करेंगे अगले ऑप्शन की, जो कहता है कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करनी चाहिए, देखिए नेगेटिव ऑप्शन, भाई अनदेखी कैसे करेंगे, आपको सभी कल्चर के बच्चों को या फिर सभी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए ना। चौथा कहता है कि संप्रेषित कर कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ से सही हो जाएगा, तो 8 का आपका चौथा सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कहता है कि निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या पृथककरण या मुख्य धारिता शिक्षा, आप सभी को पता होगा इसका ऑप्शन सीधा सा राइट आंसर है समावेशी शिक्षा, जो क्या कहती है कि भाई विशिष्ट बालक को या फिर नॉर्मल बच्चा हो सबको आप एक ही क्लास में लीजिए, ऐसा नहीं है कि विशिष्ट बालकों की ये क्लास चल रही है और गिफ्टेड नॉर्मल बच्चों की ये क्लास चल रही है, जबकि समावेशी शिक्षा आपकी क्या कहती है कि भाई एक साथ बिठा के क्लास लीजिए ना, ऐसे करके एक साथ बिठा के क्लास लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका 2 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कहता है कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा या फिर विशेष शिक्षा या फिर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, अभी पीछे डिस्कस किया था आपसे, समान शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए आपको, चाहे वो बेसिकली एक गिफ्टेड स्टूडेंट हो, आईक्यू उसका अच्छा हो या फिर आईक्यू उसका खराब हो, क्योंकि उनको समाज में भी तो रहना है, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल के बाद उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, तो आप एक साथ समान शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, जो कि बात किसकी करती है, समावेशी शिक्षा की। तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले में आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे क्या करेंगे, अधिगम असक्त बच्चे क्या करेंगे या फिर सृजनात्मक बच्चे क्या करेंगे, या ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें बच्चों का अटेंशन एक जगह पे नहीं लग पाता है, तो ADHD आप ध्यान से देखेंगे इसमें आसानी से विचलित होने की आदत है, भाई अटेंशन ही जब एक जगह नहीं लगेगा तो आसानी से तो विचलित होंगे ही, तो 4th का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो सी इसमें है,
ये वाला आपका गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सृजनात्मक बच्चे, सृजनात्मक बच्चे मूल समाधानों के बारे में सोचते हैं। पिछला आपने अगर 8 दिसंबर वाला पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन था नज़मा करके, जो नज़मा बच्ची होती है वो मूल समाधानों के बारे में बात करती है, तो वो सृजनात्मक बालिका कहलाई गई थी। ठीक है, अगर आप बेसिकली पेपर सॉल्व करते रहेंगे ना तो भी आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरे का यहाँ से बी आ रहा है, तीसरे का बी आप देखिए किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चा आपका। ऑप्शन नंबर 2 कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, दो ही आगे आपको करने की सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 11th का आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कहते हैं कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, क्या कहते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। भाई शिक्षक नियंत्रित नहीं करता है, शिक्षक कंट्रोलर नहीं है, शिक्षक तो सुविधा दाता है ना। अगर हमें किसी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम फंस रहे हैं, तो वो हमारी हमको सुविधा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो कंट्रोलर तो शिक्षक को होना ही नहीं चाहिए ना, और बच्चे को नियंत्रित कैसे करेगा, ये तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपका बिल्कुल नहीं कहती है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, रोट लर्निंग आपको नहीं देनी है, कल ही बताया था, बेसिकली पिछली क्लास में आपको बताया था। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये तो मशीन बनते जा रहे हैं ना, आप जो बता रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं, कैसे याद करेंगे वो। फिर विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बच्चे एक्टिव है ना, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। 12th का आपका 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या फिर पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को आप हतोत्साहित कभी नहीं करेंगे, बच्चे को आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि भाई तुम क्वेश्चंस पूछो, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। वो बेसिकली कई चीज़ों को सोच सकता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार आपको पता ही होगा लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को कहा गया है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, अनुमति क्यों नहीं देंगे, फिर तो मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही नहीं बच रही ना, फिर तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन आ जाएगी, जब उनको अनुमति नहीं है पूछने की। पूछने से रोकना चाहिए बिल्कुल नहीं, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए ना, वो क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। तो 13 का आपका 1st सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, नहीं पूछा है आपसे इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। याद नहीं कराना है आपको, याद बिल्कुल नहीं कराना है, उनको सक्रियता से भाग लेने दीजिए हर चीज़ में। ठीक है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास बिल्कुल सही बात है। थॉर्नडाइक्स की बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज़ में। निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये आपके ऑप्शन सही की बात करते हैं। जो आपसे नहीं पूछा है इसलिए आपका 14 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1st सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कहता है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं या फिर निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या फिर विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं, या फिर विद्यार्थी किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि मैं ही हूँ और मैं कोई नया काम कर रही हूँ या फिर कुछ सीख रही हूँ, मेरी टीचर आके मुझसे कहते हैं कि यस दीप्ति यू कैन डू इट, तुम मतलब बहुत अच्छा करोगी, तुम चीज़ों को अच्छे वे में कर रही हो, एक बार और अपनी कोशिश करो, तो मेरे मन में तो यही आएगा ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अगर कम वहाँ पे अपना ध्यान लगा रही हूँ तो मैं और अच्छे से ध्यान लगाऊंगी, मैं सोचूंगी अरे सर तो कह रहे थे कि मैं कर सकती हूँ तो मतलब मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई जब शिक्षक को सकारात्मक विश्वास होता है बच्चे पर तो वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ठीक है, निश्चिंत नहीं हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, और प्रयास करना कैसे बंद कर देंगे भाई, जब आप उनको अच्छा सकारात्मक पॉजिटिविटी देंगे तो फिर वो प्रयास करेंगे ना और प्रेरित होंगे, तो ये भी उत्साह भंग हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात कर रहा है, और किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, ऐसा नहीं है। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर 1st सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कहता है कि बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बिल्कुल नहीं भाई, जब ऐसा तो नहीं है ना कि
बिना गलती करे आजकल इंसान सब कुछ सीख जाता है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो गलतियां तो करना लाजमी है ना भाई। ऐसे लाइट का आविष्कार ऐसे थोड़े ना हो गया था, कितनी गलतियां उन्होंने की थी थॉमस एल्वा एडिसन ने, तब जाके उन्होंने कहीं बल्ब का आविष्कार कर पाया था। तो इसलिए बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये तो कोई तुक्की बात होती ही नहीं है। ऑप्शन टू कहता है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। महत्वहीन तो बिल्कुल नहीं है भाई, गलतियों से भी तो बच्चे सीखते हैं ना, और ये लर्निंग का बेसिकली एक भाग है, ठीक है, और इंट्यूशंस देती है उनकी विचारों का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 16 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कहता है कि मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों में संदर्भ करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपने बच्चे को पढ़ा दिया और आखिरी में जाके आपने बता दिया कि भाई तुम्हारे 100 में से 30 नंबर आए हैं, तुम किसी के काम के नहीं हो, कोई मतलब बात ही असेसमेंट इससे आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप बच्चों के नंबर से उसको जज नहीं कर सकते हो, क्या पता है वो मतलब किसी और फील्ड में बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, या फिर आपने उसका इंटरेस्ट ही ना डेवलप करवा पाया हो, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मतलब ऑप्शनल चीज़ों से बच्चों को ऐसे जज नहीं कर सकते, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। हाँ जी, देखिए मतलब पढ़ाई भी चल रही है और असेसमेंट भी चल रहा है, आप मतलब ऐसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE की बात आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है, इसलिए आपका 17 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कहता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं है ना, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, या फिर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। देखिए संरचनात्मक की बात की गई है ना, तो इसमें जहाँ पे संरचना की बात की जाएगी वहाँ आपको बच्चे एक्टिव मिलेंगे, ठीक है, और सोशल प्रक्रिया है, लर्निंग बेसिकली क्या है, बच्चे उसमें एक्टिव ही तो रहेंगे और सोशली वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लैब वाइगोत्स्की ने इसकी बात की है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, जो बात करता है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसका ऑप्शन आपका क्या है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, या फिर संबंधित नहीं है, या फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अलग नहीं है, या फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट संबंधित नहीं है। देखिए आपसे मतलब बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसे डीमोटिवेट फील कर रहा है, कह रहा है कि भाई हम पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, और इसलिए वो प्रयास के बिना ही चीज़ों को आसानी से छोड़ देता है, ऐसी संभावना मानी गई है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दर्शाती है, यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्या बात आ गई भाई, ऐसा है मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि ऐसे बचपन में मजाक करते थे ना हम लोग कि सब्जी की दुकान पे जाते हैं उनसे पूछो टमाटर का हिसाब दे रहे, वो बताते हैं भाई आलू इतने रुपए किलो हैं, तो ये तो मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की कोई बात ही नहीं आ रही ना, यहाँ पे बात आ रही है आपकी संज्ञान की और संवेग की, ठीक है। इमोशनली आप मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप बेसिकली चीज़ों के बारे में उतनी कॉग्निटिव तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है ना, संबंधित नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए मतलब फिर से मैं कह रही हूँ, 2019 8 दिसंबर वाला पेपर देखेंगे, लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है कि आपके संज्ञान और संवेग अलग अलग हैं या नहीं है, सन्निहित हैं या फिर ETC ETC, तो इसमें आपका 19 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, आपकी समझ काफ़ी विकसित हो जाएगी और पेपर में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावशाली रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। भाई सारा काम आप ही ने कर दिया ना, बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपके समाधान को लिख लेगा
तो वो बेसिकली प्रभावी रूप से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर देंगे तो कैसे वो सीख पाएंगे? या पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना। याद नहीं करवाना है ना आपको, कितनी बार आपको बताया गया कि आपको रोट लर्निंग नहीं देनी है उनको। बच्चे को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। एक ही आपका पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है, तो 20th का आपका फोर्थ सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कहता है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, विद्यार्थियों के ही पहल और प्रयास शामिल है। ठीक है, ध्यान देना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर निगमनात्मक विधि, या फिर अधिगम केंद्रित विधि, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, या फिर परंपरागत विधि। देखिए, बच्चे ही पहल कर रहे हैं और बच्चे ही प्रयास कर रहे हैं, मतलब लर्नर लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना भाई। बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा में आपने पढ़ा होगा ना, बच्चे खुद से ही प्रयास करते हैं। बच्चे की बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चा केंद्र में है, बाकी सारी चीज़ें पेरीफेरी में है, टीचर भी आपका पेरीफेरी में आ रहा है। तो आपका 21st का क्वेश्चन नंबर 21st का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कहता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फिर से एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपके 8 दिसंबर के पेपर में भी पूछा गया है। आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको दो तीन मतलब बेसिकली तीन चार क्वेश्चन तो लैंग्वेज चेंज है और आपको एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। तो 22 में कह रहा है कि बुद्धि अभ्यासी रूप से सोचने की योग्यता है, या फिर बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, या बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती हैं। आपने गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 8 पहलू दिए हुए हैं। ठीक है, तो उससे आपका क्वेश्चन 22 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? परिवार, विद्यालय, सरकार, या मीडिया? देखिए, किसी भी बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका सोशलाइजेशन परिवार से ही शुरू होने लगता है। ठीक है, इसीलिए माँ सर्वप्रथम गुरु मानी भी गई है, आपने सुना ही होगा बेसिकली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 1 सही हो जाएगा, बाकी ये सारी सेकेंडरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कहता है कि पियाजे की बात पूछी गई है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। देखिए, एक बालक है, एक बच्चा है, ठीक है, और एक आप हैं भाई। अगर ये बेसिकली 50,000 थॉट सोच सकते हैं एक दिन में, तो ये भी 50,000 सोच सकता है। लेकिन इसमें मतलब चेंज अंतर क्या रहेगा, इनकी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। अब मान लीजिए कोई भी ऐसे टीचर हैं, वो अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो वो सोचेंगे भाई बिजनेस कैसे चलेगा, या फिर हमको आगे क्या करना है, या और टीचर्स कैसे लाने हैं, या फिर हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक बच्चा क्या सोचेगा, भाई मेरा खिलौना टूट गया है, या फिर मेरा खिलौना मम्मी ने कहाँ छुपा दिया है, या फिर बेसिकली ये थॉट्स सेम मात्रा में ही सोच सकते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी सोचने की अलग होती है। ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं और ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, मात्रात्मक रूप से भिन्न तो नहीं होती है, मात्रा उन दोनों की सेम होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी चेंज रहती है, तो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो 24 का आपका चौथा सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, जो देखिए फिर से जेंडर से एक क्वेश्चन आ गया। तो आप मतलब पहले तो प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर लेंगे, और फिर ऐसे जो ज़रूरी टॉपिक है वो आप एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। तो जेंडर से बात पूछी गई है कि जेंडर एक जैविक निर्धारक है, या मनोवैज्ञानिक है, या सामाजिक है, या फिर आर्थिक अवधारणा है। देखिए, आप बेसिकली
अगर आपसे बात की जाए कि सेक्स क्या है, तो ये बायोलॉजिकल होता है, ठीक है, ये तो बायोलॉजिकल होता है, ये जैविक निर्धारण होता है। हम एक लड़का और एक लड़की अलग अलग दिखते हैं, उसका एक बायोलॉजिकल चेंज है, जैविक निर्धारण है। लेकिन अगर आप जेंडर की बात करें तो ये तो समाज की देन है ना भाई, के बच्चों लड़कों के काम अलग निर्धारित कर दिए गए, लड़कियों के अलग निर्धारित कर दिए गए हैं, तो ये तो हमारे समाज ने जेंडर को बनाया है ना। लेकिन ये जो चीज़ है वो बायोलॉजिकली, हम लोग अलग दिखते हैं ये बायोलॉजिकली है, लेकिन जेंडर जैसे डिफाइन कर दिया गया है कि भाई हमारे काम अलग हैं, या फिर लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है, या लड़की ये कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है, ये तो सामाजिक अवधारणा है ना। इसलिए आपका 25 का तीसरा सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि डेवलपमेंट के कितने डोमेन्स होते हैं, आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, डेवलपमेंट के भाई मेन तो चार होते हैं, उसके सब डोमेन्स आपके आगे होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, या और सोशल और इमोशनल। बाकी आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर मोरल डेवलपमेंट, ये आपके इसी में आ जाएंगे। तो चार आपके डोमेन बेसिकली व्यापक रूप के माने गए हैं, तो आप ये देख लीजिए चारों के ऑप्शन में मिलेंगे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। पहले ही ऑप्शन में आपको चारों मिल गए, बाकी ये बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये तो आपके सब डोमेन में आ जाएगा ना डेवलपमेंट, तो आपका 26 का पहला सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 बाद में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, ठीक है, छोटे वयस्क के रूप में या फिर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। बच्चे को निष्क्रिय अनुकारक कैसे देख सकते हैं, गलत हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर, ओके, खाली स्लेट के रूप में। भाई इसमें प्रगतिशील शिक्षा में थोड़े ना इसको देखा गया है, खाली स्लेट देखा गया है आपका, लेकिन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में देखा गया है। इसकी बात किसने की थी, जॉन लॉक ने की थी। तो भाई इसको तो नहीं देखा गया, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को क्या देखा गया, एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा गया। बच्चे खुद से ही अन्वेषण कर सकते हैं चीज़ों का, एक्सप्लोर कर सकते हैं नई नई चीज़ों का। तो फिर 28 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि 29th लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। नंबर 1 सामाजिक गतिविधि है, या फिर व्यक्तिगत गतिविधि है, या फिर निष्क्रिय गतिविधि है, या फिर अनुबंधित गतिविधि है। आपने वाइगोत्स्की की ऐसे थ्योरी पढ़ी ही होगी जो किसकी बात करती है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक अभिविन्यास की बात करते हैं। तो सामाजिक आपका गतिविधि, बेसिकली वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चा जो है समाज से सीख सकता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जब बच्चा छोटा है तो आप उसको हिंदी का टीचर लगवाएं तभी वो हिंदी सीख सकता है। वो आपस में सुन के समझ के भी हिंदी सीख सकता है, इसलिए इसको सामाजिक गतिविधि कहा गया है, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ये 29th का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 30, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था के काल के बच्चे को विशेषित करता है। वर्तुल प्रक्रिया, पूर्व क्रियात्मक 2 से 6 वर्ष की अवस्था रहती है, आप सभी को पता होगा 2 से 6 वर्ष की। वर्तुल प्रक्रिया या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये तो 0 से 2 वर्ष में ही रहता है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर बच्चे को दिख रहा है कि रिमोट वहाँ रखा है तो वो रिमोट तक बेसिकली अपना गोल मान के ही जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विलंबित अनुकरण या फिर विचारों की अनुत्क्रमणीयता,
ये तो 0 से 2 साल में ही आ जाता है। इरिवर्सिबिलिटी थॉट आपकी इसमें आती है, किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इरिवर्सिबिलिटी थॉट। ओके, जिसमें इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, अनुत्क्रमणीयता का क्या मतलब है। मान लीजिए अगर बच्चे को ये पता है कि 2 + 3 = 5 होता है, तो बेसिकली बच्चे से अगर आप पूछ देंगे कि 3 + 2 क्या होता है, तो वो उस चीज़ को नहीं बता पाएगा। इससे अगली जो स्टेज आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा बता लेता है, जिसमें उसकी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है थॉट की। अगर आप उससे कहेंगे कि भाई 2 + 7 = 9 होता है, और आप उससे पूछेंगे कि 7 + 2 क्या होता है, तो वो तुरंत बता देगा कि भाई सेम चीज़ ही तो है, ये भी तो 9 होगा। इसलिए आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एक बार क्वेश्चन वो देख लेते हैं जो रह गया था, इसका क्वेश्चन नहीं हो पाया है। एक सेकेंड देना आप। चलिए कोई नहीं, मैं बाद में इसको डिस्कस करा दूंगी, अगले सेशन में जब CDP डिस्कस कराऊंगी तो मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है? कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है? गलती से टाइप नहीं हो पाया है, कोई नहीं, आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और आज के आपके ये 30 क्वेश्चन है जुलाई 2019 वाले पेपर के। और अगले सेशन में हम बात करेंगे मैथ्स की, जो कि आपका कल होगा। और तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखिए, और आपका 31 को एग्जाम है। होप सो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप सभी सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, धन्यवाद।